शैतान मूवी कैसे आपको शैतान मूवी लगी? आई डोंट नो व्हाट टू से, एक्टिंग वाइज बोला जाए, स्क्रिप्ट वाइज बोला जाए, या फिर मतलब इट्स अमेजिंग, इट्स 5 out of 5, अमेजिंग। और मैडी सर की कैसे एक्टिंग लगी है हॉरर में? बहुत ही हॉरर मूवी भी इतना अच्छा हॉरर नहीं दिखा पाते, इतना अच्छा हॉरर इन्होंने क्रिएट किया, आई जस्ट लव इट। स्टोरी कैसी लगी आपको? कैसी लगी आपको मूवी? आपने देखा कैसा थी रिस्पॉन्स? उस मूवी को देखने के बाद आई स्वेयर अगर आपको डर नहीं लगता तो आपको डर लगने लग जाएगा। जो इम्पैक्ट मूवी क्रिएट करती है, आप थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी उस थॉट प्रोसेस में रहोगे कि जो बचपन में माँ बाप सिखाते हैं कि अगर कोई कुछ दे रहा है तो खाना मत, वो चीज़ें सही होती है, डार्क मैजिक सही में एग्जिस्ट करता है, मे बी साइंस के बाद सही में बहुत सारी ऐसी चीज़ों के आंसर नहीं है जो मूवी में दिखाए गए हैं, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। आपको केमिस्ट्री कैसे लगी और एक्टिंग किसकी बेस्ट लगी आपको? बेस्ट एक्टिंग आई वुड से आर माधवन सर की, तो नेगेटिव इम्पैक्ट द नेगेटिव रोल ही हैज प्लेड एंड द इम्पैक्ट ही हैज क्रिएटेड ऑन माई माइंड पर्सनली, कि एक विलेन ऐसा हो सकता है या फिर एक तांत्रिक जो है उसके पास इतनी पावर्स होती हैं, वो मेरे दिमाग में रहेगी काफी टाइम तक, इसलिए मुझे लगता है उन्होंने बेस्ट रोल देखी। बात करें साउंड एंड डायरेक्शन की, क्या कुछ कहना चाहिए? साउंड आप मूवी के थिएटर में एंटर हो, मूवी जैसे ही प्ले होगी उसका जो ओपनिंग सीन है लाइक क्रेडिट्स के साथ, वो ही आपको गूज़बम्प्स देने लग जाएंगे, पिल्स नीडल्स वूडू डॉल्स एवरीथिंग ब्लड एंड ऑल दैट, आउटस्टैंडिंग म्यूजिक, आउटस्टैंडिंग स्क्रीन प्ले, सब कुछ बहुत अमेजिंग। अच्छा लास्टली एक फादर भी शैतान बन जाता अपनी बेटी के लिए, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए आप? फादर भी शैतान नहीं बन जाते, फादर भी भगवान बन जाते हैं अपने बच्चों के लिए, आई वुड से दैट अगर उसके बच्चों पे कुछ भी बात आए तो वो कुछ भी कर सकता है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेम विद फादर सेम विद मदर, ज्योतिका मैम ने भी वही चीज उसके पाई की है। आप कितना स्टार देना चाहोगे? 5.5। थैंक यू सो मच। शैतान पिक्चर देख के आप कैसा लगा शैतान मूवी? बहुत प्यारी लगी, बहुत प्यारी मूवी लगी, बहुत अच्छी मूवी है, एंड आई ऑलवेज सेड कि इस तरह की मूवीज हम लोग ढूंढते रहते हैं सिनेमा में और वो मिल जाएगी। आपको बेस्ट एक्ट क्या लगा शैतान मूवी में, कुछ बताओगे शेयर करोगे? आर माधवन का नॉर्मलाइजेशन, मतलब जो नॉर्मल रहते हैं एंड जब वो डेविल रूप लेना शुरू करते हैं तब वो चीज बहुत प्यारा लगा। आप कभी बाहर की चीज ऐसा कोई देगा तो खाओगे? नहीं बिल्कुल नहीं, पूछेंगे। इस मूवी से पहले जिस तरह की चीजें होती थी, ब्लैक मैजिक तरह का दिखाया है इसमें, इसमें इसमें लिखा भी गया कि हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसे नॉर्मल एक्ट एक्टिंग है, देखेंगे हम लोग, एंटरटेनमेंट है। आज के तारीख में भी ट्रस्ट करते हैं ब्लैक मैजिक पे, आप कितना ट्रस्ट करते हो ब्लैक मैजिक पे? ट्रस्ट तो हर चीज पे, दुनिया में एक लाइन है उसको बहुत प्यारी है कि अगर हम जिससे समझते कि वो चीज नहीं है तो वो चीज है, और जो भी चीज है है, वॉट एवर है, है तो है, लेकिन आप अगर सही रहे तो कोई भी जादू आपसे चलने। आपको केमिस्ट्री कैसी लगी सर? केमिस्ट्री आर माधवन सर, अजय देवगन और मैम की, सब लोग केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, एक इनका तरीका है, एक हीरोइन की माँ से और एक फैमिली जो होता है ना, फैमिली पैक बहुत अच्छा। ये बेस्ट सीन क्या लगा आपको? तो ये हॉरर मूवी है या हॉरर थ्रिल भी नहीं कह सकते, इसे मैं डेविल जोन में जाता हूँ उसके लेके, क्योंकि हॉरर थ्रिल दोनों का मिक्सअप था, हॉरर एनवायरनमेंट जो एनवायरनमेंट बना था उससे डर लग रहा था, और थ्रिल जो म्यूजिक विजियम्स एंड एक्टर एक्टिंग से। आप कितना स्टार देना चाहोगे 5 मिनट से? आप कितना स्टार देना चाहोगे 5 मिनट से? और आपको कुछ बोलना चाहोगे साउंड एंड डायरेक्शन के बारे में? ऑलवेज बिकॉज मैम सर इज वेरी गुड एंड ऑलवेज डायरेक्शन, ऑलवेज गुड डायरेक्शंस, एंड सो आई विल, और मैं ऑडियंस को भी कहना चाहूंगा प्लीज गो एंड वॉच शैतान। लगे आपको शैतान मूवी, क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? शैतान शैतान तो फाइनली सबके ऊपर हावी हो चुका था थिएटर के ऊपर, 3 घंटे से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था, भाई आवाज क्या सीटी या कुछ नहीं निकल रहा था, और फाइनली शैतान ने शैतान की तरह मचा भी किया है, सबसे अच्छी बात ये है। 5 लोगों में यार सिर्फ 5 करेक्टर्स में पूरे मतलब पिक्चर को मिला, ये बहुत बड़ी बात है भाई। तो आपकी देखा जाए एक्टिंग के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, तो मतलब सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी आपको? कि नहीं भाई यही शैतान है, यही भाई मतलब अमेजिंग था, तो मतलब
तो आपको क्या लगता है, शैतान एक बाप होता है या एक जादू मंत्र जो होते हैं वो? नहीं, शैतान तो ऐसे देखा जाए तो एक बाप ही होता है अगर उस तरीके से देखा जाए तो, बट उसने इतने लोगों की वशीकरण किया था तो ब्लैक मैजिक पे आप भरोसा करते हो? होता है ये सब? नहीं, ऐसे पिक्चर में पहले बता दिया है कि ब्लैक मैजिक कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एंटरटेनिंग के लिए है, तो लोग एंटरटेन। आप कितना स्टार देना चाहोगे? ओके, थैंक यू सो मच। काफी अच्छा था। आप कुछ खाएंगे फिर बाहर का? कोई देगा तो ऐसा चीज? क्या? कुछ बाहर का चीज खाओगे? कोई देगा तो ऐसा? नहीं, शैतान मूवी देख के। आप कितना स्टार देना चाहोगे? और आपको एक्टिंग कैसी लगी, केमिस्ट्री कैसी रही? और कुछ इसका साउंड एंड डायरेक्शन कैसा लगा आपको? सब अच्छा था, बहुत अच्छा था। अमेजिंग, थैंक यू। नेगेटिव रोल कैसा लगा आर माधवन सर का? नेगेटिव रोल कैसा लगा आर माधवन सर का? इसका साउंड एंड डायरेक्शन कैसा लगा आपको? इतना हॉरिबल था ये, कभी आप बाहर से बाहर की चीज कुछ खाएंगे या कोई देगा तो? या आपके कोई अपने वाले भी अगर कोई चीज दे रहे हो आपको खाने के लिए तो खाओगे आप? दो बार सोचूंगी। ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक पे कितना भरोसा करते हो? आप कितना स्टार देना चाहोगे? एंड केमिस्ट्री कैसी थी? केमिस्ट्री कैसी थी अजय देवगन सर? एंड लास्टली माधवन सर जो गेटअप लेते हैं पंडित का, तो कैसा है? थैंक यू सो मच मैम। मूवी का नाम है यस, क्या बोलना चाहेगी, क्या रिस्पॉन्स आपका? शैतान मूवी देखते हैं, माधवन का रोल बेहतरीन है। Yes. उसका सपोर्टिंग में अजय देवगन भी है। yeah. लेकिन ऐसा ये रोल अजय देवगन को करना चाहिए था, लेकिन माधवन ने किया है। सबसे फैमिली है जी, बोलिए ना, बोलिए फैमिली का मतलब कि ये जो ब्लैक मैजिक जो होता है उसकी वजह से जो जो कंट्रोल में आता है ना, और उससे जो काम करवाते है बहुत बर्बादी का काम है। ब्लैक मैजिक बहुत खराब चीज है ऐसा, तो उसको भी कंट्रोल कर सकते है, रेमेडी भी है ऐसा। लास्ट में क्लाइमेक्स बहुत बढ़िया है। मैडी सर की आपको अगर देखा जाए तो एक्टिंग किसकी अच्छी लगी? मैडी सर की एक्टिंग अच्छी लगी क्या अजय देवगन की लगी? सबसे बेस्ट एक्टर, दोनों की एक्टिंग अच्छी है, लेकिन सबसे ज्यादा माधवन की। ओके, मेन रोल माधवन का है। लास्ट में शैतान को बताया। आपको बेस्ट क्लिप क्या लगे कि नहीं भाई ये शैतान है? तो भाई क्लाइमेक्स। और आपको केमिस्ट्री कैसी लगी, बॉन्डिंग कैसा रहा? अच्छी मूवी है, सब फैमिली है, फैमिली में सब परेशानी आती है, अच्छी मूवी। ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत परेशानी होती है। ब्लैक मैजिक सच में होता है? नहीं करना चाहिए किसी को, किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। होता है ब्लैक मैजिक? होता है ना, होता है, होता है, रेमेडीज भी है बहुत है। अच्छा, आप कितना होता है वो बहुत परेशान हो जाता है। आप कितना स्टार देना चाहोगे? 5 में से 5। थैंक यू सो मच सर। हम शैतान मूवी देगा। यस, काला जादू में तो मेन थिंग है ना, वही है, मतलब इतने दिनों बाद में ऐसे देख रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। कोई घोस्ट मूवी से भी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। अगर कोई आपको बाहर वाला ऐसा कोई चीज देगा खाने के लिए, खाओगे आप? नहीं, अभी तो बार बार सोच रही है तो सोचते हैं बहुत ज्यादा। अगर कोई आपका कोई अपना ही दे रहा फैमिली वाला तो आप खाओगे? आपको केमिस्ट्री कैसी लगी मैम? वर्ड्स ही नहीं है, बहुत अच्छी। एंड अजय देवगन जी एंड सब लोग इतने अच्छे किरदार निभाए, ओह माय गॉड, तो माधवन जी क्या निभाए, उन लोगों से तो प्यार हो जाएगा लिटरली, ये अच्छे एक्टर उन्होंने। ओके, जो लिटिल एक्टर है जो उनकी चाइल्ड है डॉटर, उसकी एक्टिंग कैसी लगी? शैतान मूवी देखो कैसी लगी? शैतान मूवी क्या रिस्पॉन्स था? सुपरनैचुरल जॉनर ब्लैक मैजिक के ऊपर मूवी है, और अजय देवगन इज फैबुलस एज ऑलवेज इन हिज रोल। ज्योतिका जी को देख के बहुत अच्छा लगा, काफी टाइम के बाद उनकी वाइफ का किरदार था। द मेन
person in this movie who steals the show is Madhavan. He is the antagonist in the movie. And fear factor hai, skills hai, thrills hai, bahut hi entertaining hai. Cinematography bahut achhi production rahi hai Akshay. Editing shark hai by Sandeep Shankar. Aur Vikas Behl ka direction ek baar fir se bahut badhiya hai. So I think it's the winner. केमिस्ट्री कैसी लगी आपको तीनों की? और फ्रेम तो जो लड़की है जान की बॉडी वाला जिसके ऊपर वशीकरण होता है उसका रोल बहुत अच्छा. एंड ब्लैक मैजिक पे आप कितना भरोसा करते हो? कितना विश्वास है? बिल्कुल नहीं. प्रथाएं हमारी सोसाइटी में और ये घटनी चाहिए और लोगों की वल्नरेबिलिटी दिखाई है कि किस तरह का फायदा उठाया जाता है. तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, एक सोशल मैसेज देने के लिए लोगों के लिए कि ऐसी लोग ऐसी चीजों से टूट रही है. आप कितना स्टार देना चाहोगे इस मूवी को? एंड ये कैसा शो है, मतलब फैमिली साथ या? बिल्कुल बिल्कुल फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए. आज महाशिवरात्रि का भी मौका है और वुमेन्स डे भी है. Thank you so much, sir.